जिला पुस्तकालय के समीप स्थित रेणी फड़ी मार्केट के एक प्रतिनिधि मंडल अपनी समस्या को लेकर उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर से मिला। इस दौरान रेणी फड़ी विक्रेताओं ने उपायुक्त से मांग की है कि जल्द ही उन्हें छत की सुविधा भी दी जाए ताकि वे अपना व्यापार सुचारू रूप से चला सके। रेहड़ी फड़ी विक्रेताओं का कहना है कि उनके लिए छत का प्रावधान किया जाए ताकि वे बारिश के मौसम में भी अपनी दुकानें चला सकें और अपनी आजीविका का निर्वहन कर सकें। रेहड़ी फड़ी विक्रेता संघ एसआर राजू ने बताया कि वे अपनी समस्या को लेकर उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर के समक्ष गए थे, जिसमें उन्होंने उपायुक्त को बताया कि रेहड़ी फड़ी मार्केट में व्यापारियों के लिए छत का प्रावधान किया जाए ताकि वे अपनी आजीविका बारिश के मौसम में भी कमा सके, क्योंकि बारिश होने से उन्हें अपनी दुकानों को बंद करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि 2 साल से वे सेरी चांदनी में व्यापार कर रहे हैं, लेकिन उनका व्यापार बिल्कुल ठप है। इस साहब ने हमें बोला कि हमने डी साहब को बोला कि यहाँ पर जो हमारी रोजी रोटी नहीं चल रही है और यहाँ पर जो है छत पड़ जाए चारों साइड से सेट ला के दे दे कोके टाइप जैसे तिब्बतियों को दिए हुए तो शायद हमारा रोजगार चल पड़े। वही रेडी फड़ी विक्रेता परस राम ने बताया कि उपायुक्त मंडी से छत की मांग की गई है ताकि सभी विक्रेता अपना व्यापार चला सके। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जिस तरह तिब्बती मार्केट बनाई गई है उसी प्रकार उन्हें भी यह सुविधा दी जाए। पिछले कल हम आदरणीय डीसी महोदय जी से मिले, प्रशासनिक अधिकारी जी से, कि कई वर्षों से हम यहाँ बैठे हैं, लगभग 2 वर्ष हो गए स्कूल बाजार से जब से हमारे को उठाया हुआ है, तो 2 वर्षों से हम यहीं बैठे हैं। हमारा काम जो है बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, ना ही अभी भी चल रहा है, क्योंकि लोग बहुत सारे लोग जो अभी इस चीज़ को नहीं लगा रहे हैं रेडियो यहाँ पे, और ये तरपाल देख रहे हैं आपके पूरी तरह से लगे हुए, हवा आती है तो उड़ा के ले जाती है, कभी बिजली के तारों पे फंस जाते हैं, कभी नुकसान हमारा हो जाता है। तो हम माननीय डीसी महोदय जी से कल मिले और उन्होंने कहा, आश्वासन हमें दिया कि इसके ऊपर हम छत का जो है वो प्रावधान किया जाए। वही गोलगप्पे की रेडी लगाने वाले योगराज ने मुख्यमंत्री व उपायुक्त से मांग करते हुए कहा कि उनके लिए छत का प्रावधान जल्द से जल्द किया जाए। जी, हम सर्कल जिस हिसाब से मिले और यहाँ शेरी चांदनी पार्किंग में हम कारोबार करते हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि छत छत पड़ जाए और हमारा कारोबार चल पड़े, और मुख्यमंत्री से भी और इस हिसाब से भी गुजारिश करना चाहते हैं। जब इस बारे में उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि रेहड़ी फड़ी मार्केट के विक्रेताओं के लिए जल्द ही छत का प्रावधान किया जाएगा ताकि सभी व्यापारियों का व्यापार सुचारू रूप से चल सके। रेहड़ी फड़ी के कुछ लोग जो है वो जो रेहड़ी फड़ी लगाते हैं वो मेरे पास कल आए थे और उनकी डिमांड थी कि जो हमने यहाँ पर हमारी जो पार्किंग होती थी लाइब्रेरी के सामने वहाँ पर जो स्थान दिया है उसको अच्छा एक उसमें छत वगैरह लगा के व्यवस्था वहाँ पर उपलब्ध करवाएं ताकि सबके लिए अच्छे से बैठ सकते हैं और अच्छा एक लुक भी उसका आएगा। तो इसमें हमारा प्रयास रहेगा कि हम इसको जैसे वो चाह रहे वैसे हम कर पाएँ। आपको बता दें कि रेहड़ी फड़ी विक्रेताओं का प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त से मुलाकात कर उन्हें अपनी समस्या के बारे में अवगत करवा चुका है और उपायुक्त ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनकी मांग को पूरा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।